काम देखते हैं जो आपको गार्डन में रेगुलरली करना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्रैनबेरी हाइबिस्कस का प्लांट है और ये बहुत आउटग्रो कर चुका है। इनफैक्ट मॉर्निंग ग्लोरी की ये जो वाइन मैंने इसमें लगाई हुई है ट्रेलिस में, ये सारी आउटग्रो करके इनमें लग रही है। तो अब इनको थोड़ा सा हम लोग प्रून कर देते हैं। अब ये थोड़ी इसको स्पेस मिल गई है, ये बहुत बड़ी बेल हो गई है। ये इसी टाइप के फ्लावर्स आते हैं गुच्छों में, वाइन फॉर्म में ग्रो करने वाली एक ये रोज की वाइन है। इसको भी मैं बांधवाऊंगी आज, खुद तो नहीं बांध पाऊंगी, मेरे घर जो हेल्प आते हैं उनके साथ मिलके इसको ठीक से बांधेंगे। ये प्लांट एक फाइकस की वैरायटी है और ये बहुत बड़े कंटेनर में लगा हुआ है। ये एक टहनी इसकी थोड़ी आउटग्रो कर चुकी है, तो इसको हम लोग काट देंगे ताकि ये ठीक लगे देखने में। ये देखिए, अब ये इसका लुक बेटर आ रहा है। फाइकस की वैरायटी बहुत खूबसूरत है और इसकी कटिंग मैं बना लूँगी दोनों प्लांट की। अब इनकी कटिंग तैयार करके मैंने सारी राइट साइज की और नीचे की सारी लीव्स हटा दिए हैं और ऊपर की छोड़ दिए हैं और इनको सबको पानी में डिप कर दिया है। अब जब टाइम मिलेगा अब इनको मैं कटिंग को लगा दूंगी और शेड में रखूंगी। अब मैं हैंगिंग बास्केट में और प्लांट्स में स्प्रे करूंगी, फोलियर स्प्रे, और आज करूंगी ये बायो एंजाइम से, सिट्रस बायो एंजाइम। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है और गर्मियों में मैं ज़्यादातर सब प्लांट्स में ये स्प्रे कर देती हूँ इससे, या फिर ऑल्टरनेट करके कभी मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट जो एक ग्रैनुलर फॉर्म में आता है, या ये एक टीस्पून 1 लीटर ऑफ वाटर या फिर बायो एंजाइम से मैं स्प्रे करती हूँ और इससे प्लांट्स बहुत बहुत हेल्दी हो जाते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी, ट्रेलिंग वाइंस में भी। जैसे ये गोल्डन पोथोस की एक हैंगिंग बास्केट है, इसमें भी और जितने भी प्लांट्स हैं, सिंगोनियम्स हैं और ये कोलियस है, सब मैं कर देती हूँ। ये ऑक्सैलिस ट्रैंगुलरिस है, स्पाइडर प्लांट है, पिंक सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम, सब मैं स्प्रे करती हूँ। और जितने भी ट्रेलिंग वाइन्स हैं इनमें ज़्यादा करती हूँ। ये एंजॉय पोथोस है, इसको भी ऐसी ही स्प्रे कर रही हूँ। इसमें DIY एक ट्रेलिस बनाई थी, इसको भी ऐसे ही कर देती हूँ। तो प्लांट्स बहुत बहुत हेल्दी रहते हैं। ये फर्न है, फर्न को भी चारों तरफ से मैं स्प्रे कर देती हूँ। स्प्रे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मगर प्लांट्स बहुत हाइड्रेटेड हो जाते हैं। फर्न्स भी बहुत लाइक करते हैं ह्यूमिडिटी, तो सारे प्लांट्स में ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं जिनको मैंने क्लस्टर में रखा हुआ है, इनको मैं स्प्रे करती हूँ। ये गार्डन मग्स रखने का कितनी अच्छी जगह है, ये एक प्लांट है इसमें बांध रखा है, इसमें करती हूँ। अब ये प्लांट्स में कुछ लोकेशन मैंने बदली है ताकि इसको शेड मिले। पिंक सिंगोनियम है, ये शेड लविंग प्लांट है, तो इसको मैंने कुछ प्लांट्स के बीच में दबा के रखा है, तो कईयों की लोकेशन भी मैं धीरे धीरे करके बदल रही हूँ। कई बार टोकरी गिर जाती है, हैंगिंग बास्केट कई बार गिर जाती है। ये एक स्वीट पोटैटो वाइन की बास्केट है, ये कल रात को गिर गई है, तो आज इसको काट के पूरे में भर देंगे और दोबारा लगाएंगे इसको। ये यहाँ हैंग कर रही थी इस ब्रांच में, ये यहाँ ब्रांच टूट गई तो ये टोकरी भी गिर गई है। फ्लावर्स सारे स्पेंट हो चुके हैं और बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही है प्लांट की, तो आप सबको रिमूव कर देंगे। फ्लावर्स हैं जो काटे हैं, इनको सबको मैं कॉम्पोस्ट में डाल दूंगी। कुछ प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा फंगस अटैक के लिए बहुत प्रोन होते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड डाला है पानी में, और अब मैं दिखाती हूँ प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी ताकि वो रॉटिंग ना हो उसमें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये एडिनियम। एडिनियम में रेगुलरली मैं कोडेक्स के पास थोड़ा सा फंगीसाइड का पानी डालती रहती हूँ। जैसे ये एक छोटा सा प्लांट है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इससे कोडेक्स इसका ख़राब नहीं होगा।
ऐसे ही जितने भी एडिनियम के मेरे प्लांट हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सब में डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर मंथ में एक बार मैं सब एडिनियम के पौधों में ये थोड़ा थोड़ा पानी फंगीसाइड का डाल देती हूँ। ट्रिविंका है ये, हाइब्रिड सदाबहार, ये बहुत जल्दी इसमें फंगल अटैक होता है, तो इसको भी मैं थोड़ा फंगीसाइड के पानी से रेगुलरली इसकी वाटरिंग कर लेती हूँ महीने में एक बार, ताकि इसकी रूट्स के पास से ये ख़राब ना हो। इस प्लांट में क्या होता है, बहुत जल्दी फंगल अटैक होता है और नीचे से होता है, पूरी टहनी रातों रात ख़राब हो जाती है, फिर वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कुछ सक्यूलेंट प्लांट हैं, उनमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ पानी। स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट में डाल देती हूँ, ये सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो। पेस्टिसाइड भी ज़रूर चेक करते रहें। देखिए मेरे भी प्लांट में मिलीबग मेरे को मिला है। मिलीबग ऐसे वाइट कलर के आपको दिखेंगे और धीरे धीरे करके ये पूरे प्लांट में स्प्रेड करते रहेंगे। अगर इन्फेस्टेशन है तो आप में इमीडा क्लोप्रिट का सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स हाफ अ लीटर वाटर में डाल के इसको इरेडिकेट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और काम जो करने हैं गार्डन में, वो है स्नेक प्लांट को बांधने वाला काम। ये देखिए, ये एक प्लांट है जो मैंने बोट शेप कंटेनर में लगाया हुआ है, और ये बहुत अनरूली हो जाते हैं प्लांट्स, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, तो इनको बांध के रखा जाए, और कभी खोलते हैं तो ये एकदम खट्टे रहते हैं, नहीं तो ये सारे फैल जाते हैं। जैसे ये अभी फैला हुआ है, इसके लिए मैं एक जूट थ्रेड लेके आई हूँ और इससे बांधूंगी। हमेशा जूट थ्रेड ही यूज़ करें, वो पौधों के लिए बहुत टेंडर और बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।